नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 18 में है और हरियाणा में वर्तमान राज्यसभा की सीटें तो वो 5 सीटें हैं। 5 सीटों पे कौन कौन एमपी है? सबसे पहले है दुष्यंत कुमार गौतम, नंबर दो पर है डीपी वत्स, नंबर तीन पे है सुभाष चंद्रा, नंबर चार पर है रामचंद्र जांगड़ा, नंबर पांच पे है दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है दोस्तों, दुष्यंत कुमार गौतम पूछ लिया जाए तो ये किस पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी के हैं। वहीं डीपी वत्स ये भी बीजेपी के हैं और जो सुभाष चंद्रा है ये निर्दलीय एमपी हैं, निर्दलीय है। ठीक है दोस्तों, और रामचंद्र जांगड़ा ये भी बीजेपी के हैं। वहीं एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा की लोकसभा सीटें। लोकसभा का आर्टिकल संविधान में 81 है। अगर पूछ लिया जाए 1 नवंबर यानी 1966 को जब हरियाणा बना उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? तो उस समय हरियाणा की लोकसभा की सीटें थी 9 सीटें थी, वर्तमान में ये 10 सीटें हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, और इन 10 में से कुल तो हैं 10, 2 आरक्षित सीट हैं। आइए उनको देखते हैं, 10 सीटें कौन सी हैं और कौन कौन एमपी बना है। नंबर एक पे है सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र हो गया, सोनीपत हो गया, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम। नंबर 10 पे आ गया भिवानी। तो सिरसा से जो एमपी है वो कौन है? सुनीता दुग्गल। और कुरुक्षेत्र से कौन है? नयाब सैनी। और करनाल से कौन है? संजय भाटिया करनाल से एमपी है। और वहीं सोनीपत से कौन है? रमेश चंद्र कौशिक। उसके बाद आता है अंबाला से कौन है? रतनलाल कटारिया। उसके बाद है हिसार से विजेंद्र सिंह।
उसके बाद आ गया रोहतक से अरविंद शर्मा। उसके बाद आ गया फरीदाबाद से, फरीदाबाद से कौन है, कृष्ण पाल गुर्जर। ठीक है दोस्तों, और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। उसके बाद आ गया भिवानी से धर्मवीर सिंह। तो दोस्तों यह हरियाणा की जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, और सिरसा और अंबाला जिन पे दोस्त ये स्टार लगे हैं, ये आरक्षित सीटें हैं, यानी यहाँ से एससी एमपी बनता है। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाए कि हरियाणा से टोटल एमपी कितने बनते हैं, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको एमपी बोला जाता है, तो ये टोटल 15 होते हैं हरियाणा से, यानी 5 राज्यसभा से, राज्यसभा के 5 और लोकसभा के 10, तो ये कुल हो गए 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हरियाणा की विधानसभा की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विधानसभा का संविधान में किस आर्टिकल की आर्टिकल कौन सा है। तो विधानसभा का आर्टिकल नंबर 170, इसमें विधान प्रत्येक राज्य की विधानसभा का वर्णन किया गया है। जब हरियाणा बना उस समय विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी, तो 54 सीटें थी उस समय, और उसके बाद 1967 में यह बढ़कर 81 सीटें हो गई, और उसके बाद 1977 में यह सीट 81 से 90 होगी, और जो कि अब तक 90 की 90 हैं। ठीक है दोस्तों, और इन 90 सीटों में से हरियाणा में 17 आरक्षित सीटें हैं, 17 आरक्षित। आरक्षित सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो 17 आरक्षित सीटें कौन सी हैं, जैसे सिरसा की कलावली होगी, करनाल की नीलोखेड़ी होगी, और उसके बाद फतेहाबाद की रत्ती होगी, हिसार की उकलाणा होगी, भिवानी की भवानीखेड़ होगी, जींद की नरवाणा होगी, रेवाड़ी की बावल होगी, गुरुग्राम की पटौदी, पलवल की होटल, झज्जर की झज्जर, रोहतक की कलावली, सोनीपत की खरकोदा, और पानीपत की सराणा, कुरुक्षेत्र की शाहबाद, और यमुनानगर की सडोरा, करनाल की नीलोखेड़ी, कैथल की गुलाचिका, अंबाला की मुलाणा। ठीक है दोस्तों, यह था छोटा सा लेक्चर हमारा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को लेकर। आइए आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।